सब्सक्राइब कीजिए सुनीता राघव रसोई को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनीता राघव रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही गोभी मसाला। आधा कप दही, इसको हम फेंट लेंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च, स्वादानुसार नमक, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट एक छोटी चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। इन सबको मिक्स कर देंगे। एक छोटा फूल गोभी लिया था जिसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और इनको गर्म पानी में हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के एक मिनट के लिए ढक के रख दिया। उसके बाद छान के इसका पानी सारा सुखा लिया कपड़े की सहायता से। अब हम इसको इसमें मिक्स कर डाल देंगे। और इसको हल्के हाथों से मिला देंगे। ये देखिए, फूल गोभी अच्छे से कोट हो गई है। अब हम इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 30 मिनट हो गए हैं इसको। अब हम इसको पैन में डाल देंगे। और एक बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। गैस को ऑन कर लेते हैं। और इसको लगातार हम चलाते रहेंगे जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता। गोभी फ्राई हो रही है, आंच को हम धीमा कर लेते हैं। और अब हम ग्रेवी भी तैयार कर लेते हैं अपनी। तेल गर्म हो गया है, एक बड़ा चम्मच हमने तेल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अब हम इसमें हींग डाल देते हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल देते हैं। इसमें हमने 5-6 कलियाँ लहसुन की ली हुई हैं, 2 प्याज लिए हुए हैं और 2 हरी मिर्च ली हैं, एक छोटा टुकड़ा अदरक का जिसका हमने पेस्ट बना लिया सारों को मिला के। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह जब तक ये भुन नहीं जाता तब तक। देखिए, गोभी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। 2 टमाटर लिए हुए हैं हमने जिसकी प्यूरी बना ली। इसको भी हम इसी तरह से तेल छोड़ने तक भूनेंगे। प्यूरी अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसमें मसाले डालते हैं सूखे। इसमें थोड़ी सी हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच देगी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, स्वादानुसार नमक और गरम मसाला। इसको हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। मसाला अच्छी तरह से भून गया है। अब हम इसमें तरबूज के बीज का पेस्ट डालेंगे। 2 बड़े चम्मच हमने तरबूज के बीज लिए हुए हैं। अब हम इसको भून लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तकरीबन आधा कटोरी। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें गोभी डाल देते हैं और अच्छी तरह से हल्के हाथों से इसको मिक्स कर देंगे। ये तैयार है। आंच को हम बंद कर देते हैं और अब हम प्लेटिंग करते हैं। लीजिए, तैयार है शाही गोभी मसाला। हम इसे राइस और चपाती के साथ सर्व करेंगे। दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।